हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरी मरी हुई मछली दिखा रहा हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ये वीडियो बनाने का भी कारण है कि ये वीडियो मैं आखिर बना क्यों रहा हूँ। क्योंकि जो भी नए फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं, या तो बायोफ्लोक पद्धति से फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं, या फिर रैस सिस्टम कर रहे हैं, या फिर सीमेंटेड टैंक लगा रहे हैं, या फिर बायोफ्लोक में टारपोलिन टैंक लगा रहे हैं, आप मछली पालन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ चीज़ों को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। और अगर एक बार में आपका 250-300 केजी अगर मछली मर जाता है तो उसमें आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार, एपी बायोफ्लोक फिश फार्म हाजीपुर वैशाली बिहार से। और आज के इस वीडियो में मैं मछली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा पूरा का पूरा टैंक में मछली मर चुका है। और मरने का बहुत बड़ा कारण नहीं है, 2-3 कारण ऐसे हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है ताकि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी फेस ना हो सके। जो भी नया फार्मर फार्मिंग कर रहे हैं वो इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपके साथ में ये परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप मछली पालन कर रहे हैं और मछली मर जा रही है 200-300 किलो, तो आपको एक बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है और लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों होता कैसा है कि अगर आप बायोफ्लोक टैंक में फार्मिंग कर रहे हैं, सीमेंटेड टैंक लगाया कर रहे हैं, तो हमको उसमें दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। पहला होता है एरिएशन, दूसरा होता है फीडिंग। अगर आप मछली को 2 दिन दाना नहीं देंगे तो मछली आपका मरेगा नहीं, लेकिन बगैर एरिएशन के आपका मछली मर जाएगा। और मेरे से सबसे बड़ा गलती यही हुआ था कि एरिएशन मेरे से रात में मशीन मैंने चेंज किया, लेकिन मशीन को ऑन करना भूल गया। ऑन होने के बाद जो सर बॉल वाल होता है ना, वो मैंने नहीं घुमाया, जिस कारण से मेरा मशीन तो चालू था लेकिन उसके अंदर का जो एरिएशन सिस्टम था वो बंद हो गया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो 12 घंटे रात को मैंने 7 बजे मशीन बदला था, सुबह जब 7 बजे देख रहा हूँ मॉर्निंग में, तो सारी की सारी मेरी मछलियाँ मरी हुई थी दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि आपका एरिएशन मशीन प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। हो सके तो 12 घंटे पर जो आप मशीन चेंज करते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा ताकि आपका मशीन हमेशा चालू रहे, देखते रहिए। तो दोस्तों ये सब गलती अगर नहीं होगी तो आप मछली पालन में बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमाते हैं। नो डाउट बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी से आप पैसा बहुत ही बढ़िया जनरेट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कमा सकते हैं, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। जो भी नए फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं और उनको फार्मिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, फॉलोअप लेकर बात कर सकते हैं चीज़ें समझने के लिए दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरा मछली कैसे मर गया है, और आप इन चीज़ों पर ध्यान हमेशा रखिएगा। एरिएशन सिस्टम हो गया, इसको आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं यही बता रहा था दोस्तों। तो नमस्कार, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप भी फार्मिंग कीजिए, हमेशा बढ़िया रहिए, फ्रेश रहिए, ताज़ा रहिए, और बढ़िया फार्मिंग कर रहे दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।